जीवन में स्पिरिचुअलिटी आपको एक नई होप देती है, टूटे और बिखरे हुए दिल को जीवन का सही मतलब समझाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जीवन के नकली सुखों को छोड़ असल सुख यानी परम पिता परमात्मा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना, उस अपार शक्ति को अपने जीने का सहारा और उसी को अपने जीवन की डोर पकड़ाकर बेफिक्री से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना, ऐसी राह पर जाना जिस पर न कोई अपना न कोई पराया, सब ईश्वर का और ईश्वर सबके। ऐसी ही एक कहानी है वरुण और राहुल की, जिसमें राहुल ने अपने दोस्त वरुण के बिखरे हुए जीवन को दी एक नई दिशा और नया रूप। अक्सर कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस रास्ते पर इंसान मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ खुद को जिस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा देता है, वो इतनी आसानी से मिलता नहीं। आज तक के जितने भी महान संत हुए, जैसे कि मीराबाई, संत कबीर, तुलसीदास आदि, इनका जीवन इतनी आसानी से नहीं कटा। पल पल, कभी समाज तो कभी परिवार की बुराई इन सभी महान संतों को मिलती रही, लेकिन इन सब ने ईश्वर को पाने की अपनी खोज को कभी बीच में नहीं छोड़ा। राहुल ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ था और ऐसा ही करने की सलाह राहुल ने अपने दोस्त वरुण को भी दी, क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्थान में उसका मिलना ब्रह्म कुमारी शिवानी से हुआ था, जिनसे राहुल ने लाइफ में ब्रह्मचर्य और सादगी की इंपॉर्टेंस को समझा था। जो कुछ उसने खुद सीखा वही सब उसने अपने डिप्रेशन का शिकार हुए दोस्त वरुण को भी सिखाया। ब्रह्म कुमारियों के सेशंस में अक्सर ये समझाया जाता है कि आज दुनिया में ऐसा समय चल रहा है जब हमारे जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस तेजी से बढ़ रही हैं, और साथ ही हमारी स्पिरिचुअल पावर में कमी के कारण हमारे अंदर उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने व उनका सामना करने की पावर भी कम हो रही है, और ये दोनों ही कारण हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस को बढ़ाकर हमारे जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। इसका सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र समाधान है जो हमारे तनाव के लेवल को कम कर सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। साथ ही तेज रफ्तार से भागते हुए जीवन में हमारे थॉट्स, हमारा स्वास्थ्य, धन संपत्ति, रिश्तों में क्वालिटी कम हो गई है, और इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत के चलते हम खुद को चिंता और दुख से भर लेते हैं। अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना ही इन सभी बातों की मुश्किलों को हल करके सभी प्रॉब्लम्स से फ्री कर सकता है। ब्रह्म कुमारी शिवानी के लेक्चर से भी राहुल ने सीखा कि कैसे जीवन के सभी दुखों का नाश करने के लिए एकमात्र ईश्वर ही एक सहारा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन को ब्रह्मचर्य के रूल्स के साथ जीने के लिए घर और परिवार छोड़ना सबसे जरूरी है, लेकिन बी के शिवानी के लेसन्स ने समाज की इस मिथ को कैसे तोड़ा है, ये भी इस कहानी में हम जानेंगे। आज का ये शो उन लोगों के लिए है जो जीवन और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंसिंग नहीं कर पाते, या फिर ये कहा जाए कि जिन लोगों की फीलिंग्स बहुत सेंसिटिव हैं या जल्दी हर्ट हो जाती हैं। ये शो उन लोगों के लिए गेम चेंजर बन सकता है जिन लोगों को ओवरथिंकिंग या हर टाइम फ्यूचर की टेंशन बनी रहती है, उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। ब्रह्म कुमारीज के फॉलोअर्स आज दुनिया भर में मौजूद हैं। ये सब वे लोग हैं जिन्होंने इनकी टीचिंग्स और लेसन्स को लाइफ में अपनाकर खुद को स्टेबल बनाया और अपनी उथल पुथल मचाती फीलिंग्स को काबू करने का काम किया। वरुण और राहुल की कहानी से भी हम देखेंगे कि कैसे राहुल ने वरुण की लाइफ को बी के शिवानी के लेक्चर से बेटरमेंट प्रोवाइड की। अब अगले एपिसोड में सुनते हैं इन दोनों लोगों की स्पिरिचुअलिटी की जर्नी और वो सब टीचिंग्स जो ब्रह्म कुमारी शिवानी के लेसन से हमें सीखने को मिलती हैं। बनिए इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा कुकु FM के साथ। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक नया ट्रेंड नहीं है, इस शब्द की पर्सन टू पर्सन अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे जीवन को एक बेटर मीनिंग देता है।
कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्म धार्मिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक होना हर तरीके के बंधनों से परे होना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी को जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उनके जीवन में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती। अक्सर ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में खुद को काम रख के कोई भी डिसीजन या एक्शन लेते हैं। राहुल के दोस्त वरुण की आज ऑफिस में अपने बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई। गुस्से में आकर बॉस ने वरुण को नौकरी से निकाल दिया। वरुण के साथ साथ ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। लगता भी क्यों नहीं, वरुण काफी मेहनती था। सिर्फ एक पॉइंट पर बॉस की हां में हां न मिलाने पर बॉस का ऐसा एक्शन कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वरुण परेशानी में ऑफिस से घर के लिए निकला। जैसे ही घर पहुंचा तो घर पर मां और बीवी एक नई लड़ाई लेकर वरुण का इंतजार कर रहे थे। वरुण के घर में घुसते ही मां और बीवी ने वरुण के सामने अपना मुद्दा उठाया और बातों बातों में वो बहस फिर से लड़ाई में बदल गई। गुस्से में वरुण ने अपनी बीवी और मां को काफी कुछ भला बुरा कहा, जिससे नाराज होकर बीवी अपने मायके चली गई और मां का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मां को जैसे तैसे नॉर्मल कर वरुण परेशानी में घर से बाहर निकल गया। अभी थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे उसका दोस्त राहुल मिला। राहुल को देखते ही जैसे परेशान वरुण बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। राहुल ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे दिलासा दिया और उसे चुप करवाया। अपने दोस्त वरुण को शांत करवा कर राहुल उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर आते ही वरुण ने देखा कि राहुल के घर पर बी के शिवानी की कुछ किताबें रखी हैं। चाय पानी के बाद वरुण ने राहुल से पूछा कि बी के शिवानी वही हैं जिनका टीवी पर एक शो भी आता है, ये मेडिटेशन को काफी प्रमोट भी कर रही हैं। राहुल बोला, हाँ बी के शिवानी वही हैं जो अक्सर अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज शो में लेक्चर देती हुई दिखाई देती हैं। विवेक ने कहा, हाँ देखा मैंने, बहुत से फॉलोअर्स हैं इनके, पर मैंने कभी भी इनके शब्दों को सुना नहीं। शायद ये कहूं कि मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता स्पिरिचुअल और मेडिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में। राहुल ने कहा, शायद यही कुछ मिस हो गया होगा। तुम मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हें नहीं लगता कि कई बार हम अपने शब्दों का गलत जगह इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय और खराब कर देते हैं? लेकिन अगर हम जान जाएं कि किस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन जरूरी है और किस सिचुएशन में नहीं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ बी के शिवानी भी सिखाती हैं। उनका कहना है कि अगर खुद को कंट्रोल करना है तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना ही होगा। एक सेशन में इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार इंसान बुरी सिचुएशंस आने पर बिल्कुल ही टूट जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैसी भी सिचुएशन हो पर अपनी पेशेंस को नहीं खोते। जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें कई तरह के मोड़ आएंगे, इसलिए कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो तो अपना पेशेंस न खोएं, क्योंकि बुरा समय आज है वो एक दिन चला जाएगा। क्योंकि समय कभी किसी का ठहरता नहीं, अच्छा हो या बुरा वो बीत ही जाता है। स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है जिससे जीवन रूपी नदी एक नया मोड़ ले लेती है। आज हम सभी अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से इतना जुड़ चुके हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और भय जैसी कमजोरियां हमारा नेचुरल नेचर बन गई हैं। इसके अलावा हमने खुद की स्पिरिट और सर्वोच्च परमात्मा के साथ अपना इंटरनल रिलेशनशिप भी खो दिया है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही आत्मा को शुद्ध कर सकती है और उसे इन सभी जीवन की बीमारियों से फ्री कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी आत्मा, परमात्मा के ज्ञान और हमारे जीवन के डिफरेंट चैनल्स का एक इंट्रोडक्शन है, जैसे कि सही क्या है और गलत क्या है, हम सेल्फ अवेयरनेस की मान्यताओं के आधार पर सही कर्म करके कैसे अपना सुंदर भाग्य बना सकते हैं और कैसे हम अपने डेली रूटीन में परमात्मा के साथ एक पॉजिटिव संबंध रख सकते हैं। वरुण ने पूछा, लेकिन हम उस परमात्मा के साथ बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं?
जिस ईश्वर को ना तो हमने देखा ना महसूस किया, फिर उसके साथ बॉन्डिंग कैसे बन सकती है? राहुल बोला, जो सवाल तुमने पूछा है यही सवाल अक्सर बहुत से लोगों के मन में होता है, क्योंकि भगवान को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग्स हैं। अलग अलग धर्म इसे अपनी अपनी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उस अपार शक्ति को एक्सप्लेन करना हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि महाभारत के टाइम पर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे, तब भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पेशल पावर दी थी ताकि अर्जुन उनकी एनर्जी को टॉलरेट कर सके। ऐसे ही हर किसी के लिए इस परमात्मा की अपार शक्ति को समझना आसान नहीं, ये समझने और महसूस करने की बात है। बी के शिवानी इसके लिए कहती हैं कि ईश्वर को परमात्मा कहा जाता है, मतलब वो सभी आत्माओं में सबसे ऊपर के स्थान पर है। आत्माओं की तरह भगवान नग्न आंखों के लिए इनविजिबल लाइट का प्रकाश बिंदु है, लेकिन मनुष्यों की तरह वो जन्म और मृत्यु के चक्र और सुख या दर्द के एक्सपीरियंस से परे है। ईश्वर सभी मानव आत्माओं का परम पिता, माता, शिक्षक और उपदेशक है। निराकार होने के कारण कई धार्मिक परंपराओं में भगवान को ओवल शेप के पत्थर या प्रकाश जैसा बताया जाता है। हिंदू धर्म में इस ओवल शेप को शिवलिंगम या ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिव का प्रतीक या प्रकाश का प्रतीक। मुसलमान एक ओवल शेप के काले पत्थर का सम्मान करते हैं, जिसे संगे असवद यानी पवित्र पत्थर कहा जाता है, जिसे मक्का में ग्रैंड मस्जिद काबा में रखा गया है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ने कहा था कि ईश्वर प्रकाश है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने भी ईश्वर की स्तुति गाते हुए कहा कि ईश्वर सर्व प्रकाश और निराकार है, जबकि पारसी लोग अग्नि के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर एक दाता है जो सभी प्राणियों की निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भेदभाव के सेवा करता है, तुम जैसे चाहो उसी रूप में ईश्वर को याद कर सकते हो। राहुल ने वरुण के इस सवाल का क्या जवाब दिया और क्या उसका जवाब वरुण को बी के शिवानी के शब्दों पर ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प कर सका या नहीं, जानने के लिए बने रहें कुकू FM के साथ। ईश्वर सबके अंदर है, सबके साथ है। एक चींटी से लेकर इस पूरे यूनिवर्स को अगर कोई चला पा रहा है तो वो है वो परम शक्ति, परम पिता परमात्मा। हम सबके अंदर है, हम सबके साथ है, फिर भी क्या हम वो बॉन्ड फील कर पाते हैं? क्या कभी हम अपने बुरे टाइम में सिर्फ ईश्वर पर सब कुछ छोड़ बेफिक्र हो पाते हैं? जवाब आप खुद जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम और हमारा मन इस जीवन के अप्स और डाउन्स में परमपिता परमात्मा को भूल जाता है? इसके लिए जो बी के शिवानी बताती हैं वो सुनते हैं आगे की स्टोरी में। वरुण ने राहुल से पूछा कि क्या उसने कभी ईश्वर या किसी और स्पिरिचुअल पावर के साथ कोई बॉन्डिंग फील की है। इस पर राहुल ने कहा, हर धर्म में ईश्वर को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी शिवानी बताती हैं कि अगर अपने आप में और अपने आसपास ढूंढने की कोशिश की जाए तो ईश्वर हर किसी में दिखाई देंगे। अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं वो दुनिया से अलग हो जाते हैं। सच तो ये है कि स्पिरिचुअल फंडामेंटल्स हमें सोचने, काम करने और जीने का सही तरीका देते हैं। स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ से अलग नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ को जीने का सही तरीका दिखाती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि हम प्राणी, आत्मा या आत्मा के मूल गुणों का डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहें। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने, लोगों से दूर होने और पूरे दिन ध्यान करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है लोगों के साथ रहना, अपने टारगेट्स की दिशा में काम करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपका हर विचार, शब्द और कार्य
स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के मीडियम से हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अच्छा महसूस करने के लिए एक घंटे तक ध्यान करना और फिर दिन भर में जो भी सुविधाजनक हो वो करना नहीं है। ये सुबह अपने अस्तित्व या आत्मा को चार्ज करने और फिर पूरे दिन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उस पावर का इस्तेमाल करने के बारे में है। जब एक बार आप ये बॉन्डिंग फील करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बैलेंसिंग की तरफ चलने लगता है। आप खुद ये डिसीजन लेने के लिए केपेबल होने लगते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। जब आप खुद को एक डिवाइन पावर से कनेक्टेड फील करते हैं तब धीरे धीरे आपके अंदर बहुत से बदलाव आते हैं जो आपको मानसिक शांति की तरफ ले चलते हैं। जब आप स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं तब अगर आपको किसी के नेगेटिव बिहेवियर का सामना करना पड़े तो अपने आप से कहें कि आपने अपने सभी रिश्ते भगवान को सौंप दिए हैं और आपको उस पर्सन या सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस भगवान से जुड़े रहें और उनके प्यार और शक्ति को फील करें और उनसे पर्सनल और सिचुएशन के हिसाब से सही कनेक्शन फील करते रहें। वरुण ये सब सुन रहा था लेकिन अभी उसे वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, तो उसने पूछा कि ऐसा कनेक्शन फील करने में कितना टाइम लगता है। राहुल ने जवाब दिया कि इसे करने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दीदी अक्सर कहती हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने का कोई खास समय नहीं होता, जो भी पल आपको ठीक लगे उसी पल खुद को इस राह पर चलवाना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में जो कुछ समझाया जाए उसका इस्तेमाल वो अपनी डेली लाइफ में करना शुरू कर दे। जो स्टूडेंट क्लास के कॉन्सेप्ट समझेगा वही नॉर्मल या प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए दीदी की बातें पल्ले बांध लो और अपना जीवन बदलो। वरुण ने पूछा, लेकिन इमोशंस को काबू करना कहां आसान है? एकदम से गुस्सा, फिर झट से प्यार, इस सब को कैसे काबू किया जाए? राहुल ने इस पर वरुण को जो जवाब दिया वो आपका जीवन भी बदल सकता है। इसलिए जवाब सुनने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। आज लगभग एक हफ्ते बाद वरुण और राहुल फिर से मिले। वरुण का मूड कुछ अपसेट था। राहुल के पूछने पर वरुण ने बताया कि उसकी माताजी को डॉक्टर ने स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पा रहा कि बीवी और माताजी के विचारों में फर्क होने के कारण दोनों ही लड़ाई झगड़ा छोड़ेंगी नहीं। ऐसे में मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगा? ऊपर से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। वरुण की बात सुनकर राहुल ने कहा, ये सारा खेल इमोशंस और ईगो का है। जो इन दोनों पर काबू पाना सीख जाता है वो अपने रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों से छुटकारा पा सकता है। रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बीके शिवानी भी कहती हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हम खुद तनाव पैदा करेंगे और अपने लिए स्ट्रेस और बेचैनी पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी लोग हमारी हैप्पीनेस के आड़े आ रहे हैं हम उन्हें न केवल अपने टारगेट्स बल्कि अपनी हैप्पीनेस के लिए भी बाधा के तौर पर देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम यहां से वहां सैर कर रहे हैं और हमारा मन कहता है कि हैप्पीनेस वहां है, हम चलना शुरू कर देते हैं। हम चल रहे होते हैं तो कोई हमारे रास्ते में आ जाता है। चूंकि वो आपके रास्ते में आ रहा है इसलिए आप उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपकी हैप्पीनेस की राह में बाधा बन रहा है। अब आप उसे उस जगह से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर वो आपका जूनियर है तो आप उस पर गुस्सा करेंगे और तेजी से काम करने का ऑर्डर देंगे। अगर वो आपका सहकर्मी है और आपको लगता है कि वो आपके अपने लक्ष्य तक जाने की राह में बाधा है तो आप उसे अपनी राह से हटाने के लिए कोई भी साजिश रच सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने मॉरल्स के साथ भी समझौता कर लें। अगर आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है कि आपको चिंता होने लगेगी। आप सोचने लगेंगे, हर पल आपके दिमाग में बस वही चीज घूमती रहेगी। आपको चिंता होगी
चिंता होने के कारण आप अपना आपा भी खो सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या यही इसका समाधान है। हम जितना ज्यादा चिंता करेंगे, हमारा मन उतना ही कमजोर होता जाएगा और ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज और हाव भाव में भी दिखाई देने लगेगा। हमारा सारा उत्साह कम होता रहेगा और मन में लगातार टारगेट को अचीव करने की चिंता रहेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए हो तो हो सकता है कि यही सोच घूमती रहे कि नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें नौकरी पानी है तो इसके लिए हम में आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें अपने भीतर जोश लाना होगा, अपनी नई नौकरी से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, हमारे मन की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, वरना हम नेगेटिव थॉट्स में घिर कर रह जाएंगे। अब किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर कौन रखना चाहेगा जिसने जिंदगी में सारी आस ही छोड़ दी हो, या जिसके मन में काम के लिए कोई उत्साह ही ना हो। आपके हिसाब से क्या कोई ऐसे इंसान को नौकरी देना चाहेगा जिसने अपनी सारी अंदरूनी ताकत और सहन शक्ति गंवा दी हो, जो ना लोगों का साथ निभा सकता हो और जिसमें लोगों के साथ मिलकर काम करने की या टीम वर्क करने की फीलिंग ही खत्म हो गई हो। ऐसे आदमी को भला कौन काम पर रखना चाहेगा। तो चाहे जो भी हालात हों या कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस क्यों ना हो, जब तक हम अपना ख्याल खुद नहीं रखते तब तक हमें किसी भी समस्या का हल नहीं मिलने वाला। हमारा काम धंधा सही नहीं चल रहा इसलिए हमारा चिंता करना नॉर्मल है, पर अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो बाकी बचे काम भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि बाहरी तौर पर हमारे सारे काम सही तरह से पूरे हों तो हमारी इंटरनल सिचुएशंस का सही होना बहुत मायने रखता है। पर इससे भी अहम बात यह है कि भले ही हमारे हालात बुरे क्यों ना चल रहे हों, कम से कम हम अपना ध्यान तो रख ही सकते हैं। वरुण ने इसके साथ ही पूछा, ये तो रही चिंता की बात, अब जब आपके बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तब हम उदास हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि वे पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से करें, तैराकी के चैंपियन भी बने, टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी बने, या फिर ऐसा ही कुछ और भी करें। क्या हमारा ये एक्सपेक्टेशंस लगाना ठीक है? राहुल ने बताया, बीके शिवानी जी ऐसी सिचुएशंस के लिए अक्सर बताती हैं कि पहले तो ये पता करना जरूरी है कि बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस से खुशी मिलनी किसे है, आपको या बच्चों को। देखिए, आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? केवल इसलिए ना कि इस तरह आपको खुशी मिलेगी। आपको खुशी मिलेगी तो आप अपने बच्चे को शाबाशी देंगे जिससे वो भी खुश होगा। आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के लोगों की खुशी बनी रहे इसलिए उनकी खुशी की चिंता भी आप लिए बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम हर चीज संभाल लेंगे, फिर वे सब खुश रहेंगे। जब वे खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी का एहसास होगा। इस तरह हमारी और हमारे आसपास के लोगों की खुशी एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों या अपने बच्चों की देखरेख करने के लायक बन सकते हैं और उन्हें खुशी दे सकते हैं। राहुल ने कहा, देखो वरुण, सबसे जरूरी है अपने इमोशंस पर काबू करना। अगर आप कंट्रोल्ड रह सकते हैं तो जान लें कि आप ताकतवर हैं। तब ये ताकत आपकी उन एक्टिविटीज को एक नया रूप देगी जिनके मीडियम से आप अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स के साथ देखना चाहते हैं, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल हो ये जरूरी तो नहीं है। जब वो आपकी या अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं ला पाता तो उस समय आपके मन की क्या कंडीशन होती है? आप परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा है? नहीं। क्या ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है? नहीं। तो आप अपने मन में ऐसी सोच को जगह ही क्यों दे रहे हैं? उन मार्क्स ने आपके मन में इस सोच को जन्म नहीं दिया।
आपने जो भी महसूस किया उस भावना को जन्म भी आपने ही दिया है। वरुण, इस बात को समझो कि जो जैसे होना है वैसे होकर ही रहेगा। नेचर और सिचुएशन को हम काबू नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ काबू रख सकते हैं अपने मन और अपने वर्ड्स पर। वरुण ने राहुल की उस बात को समझ लिया था, तो उस दिन से उसने एक प्रॉमिस खुद से किया कि अब कैसी भी सिचुएशंस आएं, वो अपना आपा नहीं खोएगा, खुद को कंट्रोल करने का हर पॉसिबल स्टेप लेगा। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा करने से उसकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या फिर उसे अपने दोस्त राहुल की फिर से मदद लेनी होगी? जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। राहुल के बताए बीके शिवानी के लेसन्स को वरुण हर दिन अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी लाइफ में और आसपास काफी पॉजिटिविटी भी आ रही थी। उसकी लगातार मेहनत ने उसे एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है। एक दिन अपने दोस्त वरुण की तबीयत जानने के लिए राहुल ने वरुण को कॉल किया। वरुण ने जैसे ही कॉल पिक किया तो सबसे पहले राहुल को थैंक्स करते हुए वरुण ने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही फोन कर लिया, मैं आज तुमसे मिलने आने ही वाला था। राहुल ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। वरुण उसी शाम राहुल के घर गया और उसे अपने जीवन के होने वाले चेंजेस के बारे में बताया। राहुल भी काफी खुश था कि वरुण ने राहुल से कहा, अब चिंता थोड़ी कम है, पर यकीन है कि एक दिन सब कुछ सही होगा। अब मैं डेडलाइन के खत्म होने तक सब टास्क निपटा देता हूं ताकि बॉस को मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो। राहुल ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच खुद से प्यार करना और खुद को प्रायोरिटी देना भूल मत जाना, क्योंकि अक्सर बीके शिवानी कहा करती हैं कि हमें अपने लिए ऐसे मित्र पसंद हैं जो हमें सराहते हैं, आगे बढ़ने को इंस्पायर करते हैं और हमें हमारी कमियों के बावजूद एक्सेप्ट करते हैं। हम ज्यादा समय तक ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं रख सकते जो निंदा करते हुए हमारी एनर्जी को सोखते हैं। आपको खुद को याद दिलाना होगा, मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। इसका मतलब है कि मैं वीक नहीं, एक पावरफुल स्पिरिट हूं। आपको खुद को प्रेरित व प्रोत्साहित करना होगा और ये प्रेरणा झूठी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी शक्ति के बेसिक नेचर को क्लैरिटी देने के लिए बनी है। अगर हम बलशाली नहीं होते तो हम वो सब प्राप्त नहीं कर पाते जो आज हमारे पास है। क्या हम बलशाली नहीं हैं? ये सवाल समय समय पर खुद से पूछते रहने पर टारगेट्स अचीव करने में काफी हेल्प होती है। बी के शिवानी अक्सर अपने सेशंस में बताती हैं कि अपने आप को ऐसे थॉट से दूर रखो जो आपको डाउन फील करवाते हैं। जब दूसरे हमारी बुराई करें तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट न करते हुए अपना बचाव कर सकते हैं, पर जब हम खुद अपनी बुराई करते हैं तो मन उस डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करता है। हम खुद को खुद की बुराई करके कम होती हुई एनर्जी से नहीं बचा सकते। जब हमारा मन अपने और दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स पैदा करे तो उसे नेगलेक्ट ना करें और ना ही इन विचारों को दबाएं। हर विचार पर ध्यान देते हुए इसे अपने इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बदल दें। खुद को बुराई से सेल्फ मोटिवेशन की ओर ले जाएं। जब हम कोई गलती करते हैं, अपनी बुराई करते हैं और इस बात की कंफर्मेशन खुद को देते रहते हैं कि हम कमजोर हैं, तो हम खुद को परमिशन दे रहे हैं कि हम उसी तरह कमजोर रहकर भूल दोहराते रहें। खुद की बुराई करने से आत्मा की शक्ति घटती है। हमें अपनी भूलों को ना दोहराने के लिए शक्ति चाहिए। हमारी सारी भूलों के बावजूद हमें खुद को याद दिलाना होगा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और मैं इसे अगली बार सही तरह से करूंगी या करूंगा। इस पर वरुण ने पूछा, ये तो बात हुई दूसरों के हमारे लिए जो थॉट्स हैं उनकी, लेकिन कभी अगर हमें खुद की किसी गलती के कारण खुद पर गुस्सा आए तो क्या किया जाए? राहुल ने बताया,
ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तुम इस रेस में अकेले नहीं हो। बहुत से लोग अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका उनको बाद में बहुत पछतावा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग गिल्ट के बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए बीके शिवानी कहती हैं कि अगर हमने लंबे समय से किसी से नफरत की हो और कई सालों तक उसकी कमियों और कमजोरियों पर कॉन्सेंट्रेटेड रहे हों, तो हमारे लिए उस इंसान को प्रेम करना आसान नहीं होगा। खुद भी अगर आप ऐसे नजरिए के साथ देख रहे हैं तो समझ जाइए कि हमारे पास बहुत अच्छी खूबियां थी, पर हमने अपनी कमियों और कमजोरियों पर ही ध्यान दिया और हम खुद को प्यार और सम्मान नहीं दे सके। समय बीतने के साथ हम खुद से नफरत करने लगे। अब हमें एहसास होता है कि जब हम खुद से नफरत करते हैं तो प्रेम की एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इस तरह हम दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाते और बहुत सारी जेलसी और गुस्सा जमा हो जाता है। तो वरुण ने पूछा, अगर मैं खुद से नाराज हूं तो क्या इसका असर मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा? राहुल ने इसका जवाब दिया, हां, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा इफेक्ट तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर भी आएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग ऐसी ऊर्जा के आदि हो जाते हैं जैसे लोगों को आपके लगाए हुए परफ्यूम की आदत हो जाती है, भले ही वो उसे पसंद करते हो या नहीं। परंतु दूसरों की तुलना में हमारे ऊपर हमारे हाव भाव का ज्यादा असर होता है। लो फील करने की हैबिट को सुधारने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर राहुल ने बताया कि मान लेते हैं अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हो और वहीं दूसरी तरफ आपकी वाइफ सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा। एक पर्सन जो खुद को प्यार करता है आपसे नेगेटिव एनर्जी गेन करेगा जिससे उसकी पॉजिटिविटी भी कम होगी। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, इसलिए जितना हो सके सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें। इस पर वरुण ने कहा, फिर तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके आगे खुद को साबित कर सकूं कि मैं ही सही हूं। इस पर राहुल ने जवाब दिया, तुम्हारी जगह कोई भी होगा वो यही करेगा या करने की कोशिश करेगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को मानकर विश्वास कर लेंगे कि वे कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात समझो कि यहां लड़ाई किसी दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को बेहतर महसूस करवाने की है। अगर खुद को बेहतर ही साबित करना है तो दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की नीड ही क्यों होती? अच्छा एक बात बताओ, जो संत या ऋषि हमें आशीर्वाद देते हैं, क्या हम पर उसका कोई असर पड़ता है? वरुण ने पूछा। राहुल ने बताया, हम संतों से आशीर्वाद ले सकते हैं, पर वे तभी सफल होंगे जब हम खुद को आशीर्वाद देंगे। दरअसल होता यह है कि संत हमें शुद्ध और शक्तिशाली एनर्जी का उपहार आशीर्वाद के रूप में देते हैं, पर हो सकता है कि हम उसका इस्तेमाल ही ना करें, उस तरह की पावरफुल या पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए पैदा ही ना करें, क्योंकि हम अपनी सोच को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव होना भी हो वो भी नहीं होता। हर किसी को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मेरी एनर्जी मेरी अपनी पैदा की हुई है और मेरे पास ये ताकत है कि बाहर से भले ही जो भी मिले मैं अपने विचारों को अपनी इच्छा से पैदा कर सकता हूं। ये हमेशा याद रखें, मैं जो विचार पैदा करता हूं वे बाहरी दुनिया के असर से पूरी तरह आजाद हैं। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल केवल मेरे हाथ में ही होना चाहिए। मुझे हर रोज खुद को ये बात याद दिलानी है, क्योंकि खुद को दोषी ठहराने के पुराने बुरे थॉट्स की ओर वापस जाना बहुत आसान है, लेकिन मुझे ये नहीं करना। मुझे जाना ही है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की राह पर ही जाऊंगा। वरुण धीरे धीरे समझ रहा था कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है मेरी अपनी आत्मा, यानी कि मैं खुद। इसलिए दूसरों से पहले मुझे अपनी खुशी और अपनी अंतरात्मा को हेल्दी रखने का काम करना है। मुझे सिर्फ खुद को देखना है
मैं एक आत्मा अपने मन व शरीर का मालिक हूं। केवल यही मेरे कंट्रोल में है। जो कुछ भी इससे बाहर है, व्यक्ति, परिस्थितियां, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज मेरे पास इंटेलेक्ट है कि ऐसा क्या है जो मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उससे मैं अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करूंगा। बेहतर होगा कि अपनी पॉजिटिविटी को बचाने के लिए मैं दूसरे को दोष ना दूं, बल्कि खुद में सुधार करूं। वरुण राहुल से और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन इस बार उसके दिल में इच्छा थी कि उसकी मां और बीवी भी राहुल से ये सब कुछ समझें और जीवन में अडॉप्ट करें, ताकि उनके रिलेशनशिप आपस में सुधरें और वे स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान लगाएं। वरुण ने राहुल को अपने दिल की बात बेबाक बता दी। राहुल ने वरुण को सलाह दी कि वो एकदम से अपने परिवार को बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि धीरे धीरे उन्हें इस राह पर लेकर आए। वरुण ने राहुल की बात मानी और चल दिया अपने घर, दिल में रिश्तेदारियों और दुनियादारी से जुड़े अनेकों सवाल लेकर। क्या वरुण को उसके सवालों का जवाब मिलेगा? क्या वो अपनी मां और बीवी के आपसी संबंध सुधार सकेगा? जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। वरुण की आज ऑफिस से छुट्टी थी। राहुल के कहे अनुसार वरुण ने ब्रह्म कुमारी शिवानी की लिखी एक किताब पढ़नी शुरू की। वैसे तो ब्रह्म कुमारी शिवानी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन राहुल जानता था कि वरुण के दिल में रिश्तेदारियां बेहतर करने से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए राहुल ने उसे असीम प्रेम की ओर किताब पढ़ने की सलाह दी। इस किताब को पढ़कर वरुण काफी हल्का महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे उसके सभी सवालों का जवाब मिल गया हो। उस शाम वरुण अपनी बीवी के साथ शाम की सैर पर निकला तो बीवी ने बड़े ही प्यार से कहा कि पिछले कुछ दिनों से आपके नेचर और बिहेवियर में काफी कुछ बदल गया सा लग रहा है, आप ठीक तो हैं? वरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूं, बस मेरे मन की रीप्रोग्रामिंग हुई है। एकदम से चौंक कर पत्नी ने पूछा, मन की रीप्रोग्रामिंग? वो क्या होता है और कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? वरुण ने हंसते हुए बताया कि ये चेंज उसके दोस्त राहुल के कारण हुए हैं। पत्नी ने कहा, क्या राहुल कोई जादू टोना करने वाला बाबा बन गया है जो इतनी जल्दी असर हुआ? अरे नहीं नहीं भाई, वरुण ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो ब्रह्म कुमारी शिवानी से जुड़ा है और उन्हीं के लेसन्स मुझे भी बताता है, उन्हीं का असर है ये। पत्नी ने पूछा, आपके मन की रीप्रोग्रामिंग भी उसने की क्या? वरुण बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि ये रीप्रोग्रामिंग कैसे हुई और क्या होती है? पत्नी ने पूछा। वरुण ने जवाब देते हुए कहा, मन की रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है खुद का दूसरों को देखने का नजरिया बदलना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर के थर्मोस्टैट के बारे में सोचें और इमेजिन करें कि वो 30 डिग्री पर सेट है। अगर कोई खिड़की खोलना चाहता है, खिड़की खोलने के बाद जैसे ही थोड़ी गर्मी कमरे के अंदर आती है, तुरंत थर्मोस्टैट को पता लग जाता है कि कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। तब वो एक दिमाग की तरह ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ फर्नेस को सिग्नल भेजता है कि एयर कंडीशनिंग को चालू किया जाए। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है और एयर कंडीशनर तब तक ठंडी हवा फेंकता है जब तक कि कमरे का तापमान थर्मोस्टैट के ओरिजिनल सेट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। बचपन में इसी तरह से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके नए बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं और पैदा होने के 7 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में ढेर सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि इस दौरान हमारे दिमाग को कौन से एक्शन पर कैसे रिएक्ट करना है। इस दौरान हमारे कॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती है और जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है वो सब हम जल्दी सीख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग दुनिया का सामना करने लगता है
और सीखना शुरू करता है। जब आप अपने जीवन में कोई परमानेंट बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब बिल्कुल उस थर्मोस्टैट की तरह इस सिस्टम को वो बदलाव मुश्किल लगने लगते हैं, और ये सिस्टम हर मुमकिन कोशिश करके आपके इंटरनल सेट प्रोग्राम में बदलाव लाने से रोकता है जो पहले से आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। वरुण की वाइफ ने कहा, हाँ ये तो सच है, लेकिन इसका आपके बिहेवियर से क्या लेना देना? वरुण बोला, दरअसल बीके शिवानी जी के लेसन्स को समझकर मेरे माइंड में रीप्रोग्रामिंग हुई है। उनके लेसन्स समझने में इतने इजी और अंडरस्टैंडेबल हैं कि छोटे बच्चे को भी उनकी कही बात आसानी से समझ आ जाए। मन की रीप्रोग्रामिंग में वो सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने आप को शांत रखना है और कैसे हम सिचुएशंस के ऑपोजिट होने के बावजूद भी कामली हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा खुद को उन सब सिचुएशंस और चीजों से दूर रहने की सलाह दी है जो हमारे मन को परेशान करती हैं। साथ ही उन्होंने जीवन में ईश्वर की इंपॉर्टेंस को भी समझाया है, जिससे जीवन के मुश्किल पल काटने और भी ज्यादा आसान लगने लगते हैं। वो खुद को प्रायोरिटाइज करने की सलाह भी देती हैं और अक्सर कहती हैं कि अगर हम बदलाव लाना तय कर लें तो हमें खुद से कहना चाहिए, मैं दूसरों से इज्जत से और अच्छी तरह बात करता हूं, क्या मैं ऐसा अपने साथ अकेले में नहीं कर सकता? जब मैं बाहर ऐसा कर सकता हूं तो ऐसा अपने मन में भी कर सकता हूं। हम बाहरी मेलजोल में अपने बर्ताव के लिए एक्टिव रहते हैं, पर इसके बावजूद भूलें करते हैं। अगर उतना ही ध्यान अपने मन को दें तो हम चमत्कार कर सकते हैं। वो कहती हैं कि कम से कम हम जानते हैं, हम जैसा सोचेंगे हमारे भाव भी वैसे ही होंगे। हम ये भी जानते थे कि अधिकतर रोगों की जड़ें हमारे मन में ही हैं। अपने सेशंस में वो अक्सर बताती हैं कि डर के बजाय समझ को हमारी इंस्पिरेशन होना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे, हम हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं पा सकते, हमारी सेहत में सुधार नहीं होगा, हमारे संबंध भी उतने सुंदर नहीं होंगे जितना हम उन्हें बनाना चाहते हैं, चाहे हम इसे समझें या डर के रूप में लें। ये हमारा अपना चुनाव है। अब हमें ये ज्ञान मिल गया है और ये किसी भी इंस्पिरेशन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बदलना है, क्योंकि हम हैप्पीनेस, पीस और प्यार चाहते हैं। बस यही सब लेसन्स हैं जिनके सहारे मैं खुद में चेंज कर पाया हूं। उनके लेसन्स तो काफी इंटरेस्टिंग हैं। मैं भी इसके बारे में और जानना चाहती हूं, क्या मुझे इनके बारे में कुछ और बताएंगे? वाइफ ने पूछा। मैं बीके शिवानी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में इतना तो नहीं जानता हूं, पर हां मैं राहुल से पूछकर तुम्हें जरूर बताऊंगा, वरुण ने वाइफ को तसल्ली देते हुए कहा। बीके शिवानी के बारे में और जानकारी पाने के लिए और उनके सेशंस को सुनने के लिए अब वरुण फिर से राहुल को मिलने जाएगा। लेकिन क्या वरुण की बताई बातों का उसकी बीवी के मन पर कुछ असर हुआ या नहीं, जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम पर। अगले दिन वरुण राहुल के इंद्रिय ज्ञान के बारे में पूछने गया। वहां पहुंचते ही उसने कहा, राहुल भाई, किताब तो पूरी पढ़ ली पर यह समझ नहीं सका कि अगर आत्मा ही इंद्रियों की स्वामी है तो हमें इंद्रियों को वश में करना इतना कठिन क्यों लगता है? राहुल ने कहा, मुझे पता था कि इंद्रियों के बारे में ही तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तुम्हें पता है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया था, तब अर्जुन भी ब्लैंक कैंडिडेट की तरह सवाल पर सवाल पूछ रहा था। लेकिन यहां हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बी के शिवानी के लेसन्स हैं। मैंने भी एक सेशन में यही सवाल पूछा था तो तब मुझे जवाब मिला था कि अगर मालिक अपना पद भूल जाता है या उससे अनजान है तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। करंटली हमारे संकट की जड़ यही है कि हम अपनी मूल पहचान खो चुके हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं कौन हूं, इस बात को समझो कि हम शांति, प्रेम व शुद्धता के गुणों का एक्सपीरियंस
सिर्फ तभी पा सकते हैं जब हम अपने बेसिक नेचर और प्रकृति को जानते हों। मैं कौन हूं, जब इस प्रश्न के उत्तर में हम वो कहते हैं जो सच नहीं है, तो हम अपने मूल गुणों से हैरान और परेशान हो जाते हैं। मान लें कि आप परिवार के मुखिया हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी सीनियर पोस्ट पर हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता या बदतमीजी से पेश आता है, तो आपके दिल को ठेस लगेगी और आप बुरा मानेंगे और ये विश्वास करें कि ऐसा करना नॉर्मल भी है। अच्छा बताओ, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे मन में क्या आएगा, राहुल ने पूछा। जाहिर है कि इस जगह मैं सीनियर हूं, वे मेरे साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं, वरुण ने जवाब दिया। अच्छा मान लो कि अगर आप एक पिता हैं, तो आपके बेटे को आपसे कैसे बात करनी चाहिए, राहुल ने पूछा। ऑब्वियसली एक पिता तो अपने बेटे से रिस्पेक्टफुल वर्ड्स ही एक्सपेक्ट करेगा ना, वरुण ने जवाब दिया। राहुल बोला, यहीं पर इसी पॉइंट पर शिवानी दीदी कहती हैं कि ये हमारे माइंड में फीड हुआ पड़ा है कि बेटे को अपने पिता से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पद, भूमिका या संबंध के लिए आदर दिखाया जाए। ज्यों ही दूसरा व्यक्ति हमसे अनएक्सपेक्टेड वे से या फिर बुरी तरह से पेश आता है, जो कि हमारे अंदर फीडेड इंफॉर्मेशन से मेल नहीं खाता, तो हमारे दिल को ठेस लगती है। इस चोट के पैदा होने के पीछे कौन सा विचार छिपा है? दिल को ठेस लगना एक फीलिंग है जो किसी थॉट के बिना पैदा नहीं हो सकती। एक फीलिंग के साथ थॉट हमेशा जुड़ा होता है। इस फील का सोर्स ये थॉट है, मैं एक सीनियर हूं, या मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं। इन थॉट्स के पीछे आपकी कॉन्शियसनेस छिपी है कि आप एक पिता या सीनियर हैं। अब अपनी कॉन्शियसनेस को बदल कर सोचें, मैं एक आत्मा हूं। अब आप दूसरे व्यक्ति को कैसे देखेंगे? अगर मैं आत्मा हूं, तो दूसरा व्यक्ति भी एक आत्मा ही होगा, वरुण ने जवाब दिया। अगर कोई आत्मा आपसे उस तरह से बात नहीं करती जैसी आपने उससे उम्मीद की थी, तो आपके मन में किस तरह की सोच पैदा होगी? थॉट्स बदल जाएंगे ना, राहुल ने कहा। शिवानी दीदी अक्सर कहती हैं कि हमें अपनी भावना और सोच में बदलाव लाना होगा, ताकि हमारा प्रेम ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। जैसी हमारी इंटेलिजेंस होगी, वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे। जैसे हमारे थॉट्स होंगे, वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, वैसा हमारा बिहेवियर होगा। पहले आपकी कॉन्शियसनेस थी, मैं एक पिता हूं। आपकी सोच थी, ये मुझसे बात करने का तरीका नहीं है। आपके दिल को ठेस लगी और आपने उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव किया। अब आप खुद को एक सच्ची पहचान देते हुए अपनी इंटेलिजेंस को बदलते हैं। मैं एक आत्मा हूं जो पिता का रोल प्ले कर रहा है। मैं या आत्मा की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इसकी बेसिक डेफिनेशन है प्यार और शांति। जब आप खुद को रोल टू रोल नहीं बल्कि सोल टू सोल कनेक्टेड फील करेंगे, तो कोई आपके साथ कितना भी बुरा बिहेव क्यों ना करे, कभी भी आप रिटर्न में बैडली बिहेव कर ही नहीं पाएंगे। एक बात बताओ, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो जान लो तुमने जग जीत लिया। फिर सभी तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हें आदर देंगे। क्या ऐसा सच है, वरुण ने पूछा। राहुल ने काफी सोच विचार करके जवाब दिया। एक बार एक फॉलोअर ने दीदी से यही क्वेश्चन पूछा था, और तब शिवानी दीदी ने उस फॉलोअर से पूछा था कि संसार आपको क्यों आदर देगा, इसकी कोई खास वजह बता सकते हैं क्या आप? उस फॉलोअर ने कहा, क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं, तो संसार के लोग भी ऐसा ही करेंगे। इस पर दीदी ने कहा था कि हमें लगता है कि अगर लोग हमें प्रेम करेंगे, तो हम खुद से प्रेम कर सकेंगे। नहीं, पहले हमें इस प्रेम को पैदा करके अपने आप को देना होगा। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे दूसरों को दोष देना या शिकायतें करना। इससे बचने की कोशिश करें, वरुण ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं,
राहुल ने समझाते हुए कहा, दीदी बताना चाह रही थी कि दुनिया को रिस्पेक्ट और प्यार देने से पहले ये समझिए कि आपका वैसा ही बिहेवियर खुद के साथ होना भी बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए ही होता है। लेकिन कभी आपको अगर किसी के शब्द बुरे भी लग रहे हों, तो उन्हें नजरअंदाज करके अपनी इंटरनल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। जो आपके साथ होता है उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना सीखिए, तभी आप खुद के मन को स्टेबल और शांत बना सकते हैं। वरुण अभी भी मन ही मन सोच रहा था कि किसी के बुरे शब्दों को कैसे अनसुना किया जा सकता है। उसको ये सबसे मुश्किल कामों में से एक लग रहा था। फिर भी उसने खुद को आत्मा मानने की ठानी और कोशिश करने का वादा किया। उसने ठाना कि जितना हो सकेगा खुद को शांत रख दूसरों के सोल कॉन्शियसनेस को फील करने की कोशिश करेगा। क्या वरुण अपने इस वादे को निभा पाएगा? जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। सोल कॉन्शियसनेस को समझने के बाद वरुण समझ गया था कि इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए आपका जरूरत से ज्यादा अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दिल साफ नहीं तो कोई भी इस कॉन्शियसनेस और कनेक्शन को फील भी नहीं कर सकता। इसके लिए उसने राहुल से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने अंदर की अच्छाई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। राहुल ने इस पर जवाब दिया कि ऐसा करना मुश्किल तो होगा, क्योंकि हमारा ईगो हमारी सभी कोशिशों में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट जरूर करेगा। दीदी बताती हैं कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हम उसे भी बेइज्जत कर दें, या दो उसको थैंक्स कहें। जब वो हमारी बुराई करता है तो हमारी ईगो को चोट लगेगी और मन में थॉट आएगा, अगर वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं। उस समय हमें अपने मन से कहना होगा, वो आदमी जो कर रहा है वो उसका संस्कार है, मेरी क्वालिटी है कि मैं सबको प्रेम से रिगार्ड करता हूं। हमें अपने सोचने और बिहेव करने के पुराने तरीके बदलने होंगे। वरुण ने पूछा, मान लो कि अगर सामने वाला पर्सन मेरे रिगार्ड करने पर भी सही से बात ना करे या उल्टा सीधा जवाब दे दे, तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा? राहुल ने बताया कि आजकल हर किसी में नकल करने का ट्रेंड आ गया है। अगर आप उसे रिगार्ड नहीं करते और उसने आपको पहले रिगार्ड नहीं किया था, तो आपके रिलेशन में दरार आ जाएगी, आपकी एनर्जी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। अब इस ट्रेंड को बदलते हैं, उसने रिगार्ड नहीं किया पर आप उसके पास जाकर उससे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अब क्या वो व्यक्ति आपका रिगार्ड करेगा या नहीं? उस सिचुएशन में भी आप दोनों बिल्कुल दूर होने के बजाय कुछ तो पास होंगे, पर अगर आपने भी पहल नहीं की तो अगली बार आप दोनों एक दूसरे की ओर देखेंगे तक नहीं। हमें अपने संबंधों को हेल्दी बनाने की सोचने और प्रायोरिटी देते हुए अपने बेसिक नेचर पर वापस आना है। हमें अपने रिलेशनशिप से ईगो को परे रखना होगा, क्योंकि ये हमें लगातार एक दूसरे से दूर धकेलता है। अगर हम अपने बेसिक नेचर से दूर होंगे तो हम एक दूसरे से भी दूर होंगे। अगर हम उस आदमी से प्यार से बात करेंगे तो वो भी धीरे धीरे हमारे साथ बात करने में इंटरेस्ट शो करेगा, वो प्यार से बात करेगा भले ही स्टार्टिंग में उसका ये रवैया बनावटी हो। कम से कम हमारे बीच हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश होगा। अगर हम दूसरों को वो दें जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे संबंधों में मजबूती आने लगेगी। अगर हम किसी से बात नहीं करते तो हम अपनी क्वालिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और कुछ देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं, इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी में भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। तुम्हें याद होगा बचपन में हमने वो कहानी सुनी थी, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, जब एक साधु उसे बचा रहे थे तो वो उन्हें बार बार डंक मार रहा था। किसी ने साधु से पूछा कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा था फिर भी वो उसे क्यों बचा रहे थे। राहुल ने आगे बोलते हुए कहा, आज तक मैं दीदी से ये समझ पाया हूं कि आपको अपनी अच्छाई मेंटेन करके रखनी है,
अब जब तुमने ये कहानी याद की है तो ये भी याद करो कि साधु ने उत्तर दिया था कि जिस तरह बिच्छू अपने डंक मारने की हैबिट को नहीं छोड़ पा रहा, वो दूसरों को बचाने के अपने संस्कार को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हम अपने मूल संस्कार को दूसरों के बिहेवियर पर छोड़ते रहेंगे तो ये किसका नुकसान होगा। मान लेते हैं कि आपको अपनी कन्वीनियंस की कीमत पर भी दूसरों की मदद करना पसंद है। आपको अपना ये गुण बनाए रखना होगा। भले ही लोग आपकी दयालुता के बावजूद आपका सहयोग न करें, आपको खुद को एहसास दिलाना होगा कि आपने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि ये आपका गुण या आपकी क्वालिटी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम सब सोल कनेक्टेड हैं, तो हमें एहसास होता है कि दूसरों में हमारे जैसे गुण ना हो या फिर हम में उनके जैसे गुण ना हो, पर वे अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग चलेंगे। दूसरों की नकल करने में परेशानी ये है कि ज्यों ही हम ये देखते हैं कि दूसरों के पास हमारे जैसे गुण नहीं हैं, तो हम अपने गुणों या क्वालिटी को भी छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि समय की पाबंदी आपकी क्वालिटी है, पर दूसरा पर्सन देर से आता है। ऐसी सिचुएशन में आप सोच सकते हैं, समय का पाबंद होने से क्या लाभ, आप अगले दिन से देर से आने लगते हैं। ठीक इसी तरह आप केवल इसी वजह से अपने ईमानदारी के संस्कार को छोड़ देते हैं कि ऑफिस में दूसरे लोग भी ईमानदारी से काम नहीं करते। इसमें किसकी हानि है? दूसरों का कुछ नहीं जाता। हमें हमेशा अपने अच्छे गुणों को बनाए रखना चाहिए। राहुल आगे बोला, देखो चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हमें हमेशा इसी कोशिश में रहना चाहिए कि हम अपनी अच्छाई को कायम रखें ताकि हमारा मन और आत्मा प्योर रहे। वरुण ने अच्छाई कायम रखने की बात को काफी ध्यान से सुना, लेकिन सब जानते हैं कि अपने आप पर काबू बनाए रखना कितना मुश्किल काम होता है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन गुस्से के समय खुद पर काबू रखना सबसे मुश्किल काम है। वरुण अपने मन की अच्छाई को कायम कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ। जीवन में बहुत बार ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां हमें नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखने का मुश्किल काम कैसे किया जा सकता है? अगर मेरे और दूसरे के बीच कोई गलतफहमी है तो मुझे अपने अंदर नेगेटिविटी को भरने से कैसे रोकना होगा? अगर मैं इसे दबाने की कोशिश करता हूं तो ये फिर से अग्रेसिव हो जाती है। मैं इसे पॉजिटिव रूप कैसे दे सकता हूं? वरुण ने पूछा। राहुल ने इस पर जवाब दिया, दीदी के लेक्चर से सीखने को मिलता है कि अगर हम लंबे समय तक दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो या कई वर्षों के लिए, उन थॉट्स के अक्यूमुलेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। हम बार बार अपने मित्रों व परिवार से इस बारे में डिस्कस करते हैं, फिर सभी मिलजुल कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। उसी तरह से अगर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें तो ये पाया गया है कि अगर कुछ लोग मिलकर ध्यान करें तो शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं जो उस टॉपिक या पर्सन पर अच्छा असर डालती है जिस पर वे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। डिस्टेंट हीलिंग में रोगी को दी गई पॉजिटिव एनर्जी पहले आत्मा तक जाती है, फिर ये आत्मा के एनर्जी एरिया यानी सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। इससे दूर बैठे रोगी को भी आराम आता है क्योंकि उसके शरीर को आरोग्य मिल रहा है। इस तरह मन की शक्ति अपना काम करती है। इस पर वरुण ने पूछा, क्या सचमुच ये एक्टिवेट होती है? ठीक इसी तरह अगर हम मिलकर किसी को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो वो भी असरदार होती है। आज हम में से अधिकतर लोग पॉजिटिव सोच की तुलना में कहीं तेजी और आसानी से नेगेटिव सोच पैदा कर सकते हैं। हम जिसके लिए ऐसे थॉट्स पैदा कर रहे हैं वो खुद भी खुद को कमजोर इमोशनल स्टेट में फील कर सकता है। इस तरह वो हमारी ओर से मिलने वाले थॉट्स से और भी जल्दी अफेक्ट होगा। यही वजह है कि करंट सिचुएशन में
नेगेटिव एनर्जी जल्दी असर करती है। वरुण ने पूछा, क्या हमारे पास ये चुनाव है कि हमें अपने मन में क्या रखना है? राहुल ने जवाब दिया, जी हां, ये हमारा चुनाव है। मान लीजिए कि इस समय जिस जगह पर हम हैं, इसका प्राकृतिक सौंदर्य व शांति परफेक्ट है, पर इसी जगह पर गंदगी और कीड़े भी हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहते हैं। अगर हम सुंदर हरियाली को देखकर अच्छा महसूस करते हैं, तो हम इस जगह की खूबियों को सराह रहे हैं और वही हमारे दिमाग में बसी रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह कीड़े नहीं, यहां नमी और गंदगी नहीं है, परंतु हम कैसी एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हैं, ये टोटली हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। जिस पल में हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। खास बात यह है कि हमारी एनर्जी पहले कहां जाती है। अगर हम किसी जगह आकर कहते हैं, कितना सुंदर बाग है, ऐसी सुंदरता हमारे शहर में नहीं है, इस जगह की हवा कितनी ताजी है, तो हमारे मन की दशा अच्छी हो जाएगी और हम बेहतर महसूस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जगह गीली, गंदी और थोड़ी ठंडी है। हम इसे मान लेंगे और ध्यान देंगे कि गंदगी पर पैर ना जाए, पर अपना काम करना जारी रखेंगे। हमारे आसपास क्या है इसे देखना और फिर उसे अपने मन में जगह देना, ये दोनों अलग बातें हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम खुद को ये देखने और सुनने से नहीं रोक सकते, पर हम ये तय कर सकते हैं कि किस बात को कब तक अपने दिमाग में रखना है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हम अपने मन में जो रखते हैं वही हमारी संपत्ति हो जाती है। इस समय ये गंदगी उस जमीन के टुकड़े पर है, पर अगर हम लगातार इसके बारे में सोचते रहे तो हमारा मन ही कूड़ेदान हो जाएगा। अगर दूसरों की कमजोरी की ही चर्चा करते रहे तो वो अशुद्धि हमारे मन में रहेगी और हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो जाएगी। हमारे आसपास बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं, पर हमें उन्हें अपने सिस्टम में शामिल करने की जरूरत नहीं है। दीदी अक्सर अपने सेशंस में बताती हैं कि जीवन की यात्रा में जहां थॉट्स हमारे सभी कामों और भावनाओं का मार्गदर्शन करने वाले हथियार हैं, तो इन सब के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग है जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। अक्सर हम दूसरों को पॉजिटिविटी अपनाने की सलाह देते हुए देखते हैं, खासकर जब वे चिंता या उदासी के साए में घिरे हों। हम पॉजिटिव थॉट्स की शक्ति को समझते हैं, फिर भी जब हमें अपनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है तो अक्सर नेगेटिव थॉट्स ही मेन रोल प्ले करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नेगेटिव थॉट्स अलग अलग रूपों में आते हैं, डर, चिंता, जेलसी, नाराजगी और भी बहुत कुछ। वे न केवल हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नेगेटिव ऑरा देते हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि हम ऐसे थॉट्स से बचकर रहें। वरुण ने पूछा, इनसे बचा कैसे जा सकता है? राहुल ने जवाब दिया, दीदी अक्सर सलाह देती हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करें, हाई एनर्जी और वाइब्रेशंस वाले थॉट्स को बढ़ावा दें। ये प्रैक्टिस न केवल आपको फायदा देती है, बल्कि आपकी अक्यूमुलेटेड पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को भी काफी फायदा देती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी अनजाने में रोशनी की तरह से किसी दूसरे पर्सन के लिए आशा और मार्गदर्शन की किरण बन सकती है। ये काम एक धर्म के काम की तरह ही सकारात्मक कर्म और आशीर्वाद का इफेक्ट भी पैदा करता है। वरुण के मन में और भी बहुत सारे थॉट्स थे, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो पर्सनली ब्रह्म कुमारी आश्रम विजिट करेगा और सभी बहनों से मिलेगा। अब तक आपने सुनी वरुण और राहुल की कहानी। ये कहानी मूल रूप से देश के सभी धर्मों के लिए मिसाल का काम कर सकती है। बी के शिवानी का जीवन अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होता, लेकिन बी के शिवानी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद स्पिरिचुअलिटी की तरफ काम कर रही हैं।
बी के शिवानी के माता पिता भी ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के कारण बी के शिवानी भी इस संस्था से जुड़ी हैं। उनकी शादी भी हुई, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन आसान नहीं होता। लेकिन ब्रह्म कुमारी शिवानी ने शादीशुदा होते हुए भी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। आज ये बहुत जरूरी हो चुका है कि कैसे हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ अथवा अन्य किसी दूसरी सिचुएशन में कर्मों में इन्वॉल्व रहते हुए भी खुद को बैलेंस्ड रख सकते हैं। अभी तक हम जब भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, तो मिरर में देखने से खुद का बाहरी स्वरूप ही नजर आता है। इसके अलावा हम अपनी एजुकेशन, अपनी शख्सियत, अपनी काबिलियत और अपने कार्य या अपनी भूमिका के बारे में भी जानते हैं, लेकिन ये सब हमारे बाहरी इंट्रोडक्शंस हैं। लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर मौजूद शक्ति, जो इस शरीर द्वारा सारे कार्य कर रही है, उसे आंतरिक शक्ति या आत्मा कहते हैं। आत्मा एक ऐसी ऊर्जा व शक्ति है जो हमारे सभी गुणों व शक्तियों का नेचुरल स्टोर हाउस है। इस तरह से यदि मेरा मन, जो मेरी आत्मा का एक हिस्सा है, अपने गुणों और शक्तियों का निरंतर अनुभव करे, तो हम हमेशा शांत और सैटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन जब हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, तब अंतरात्मा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। हम केवल स्थूल शरीर के साथ ही काम करते रहते हैं तथा अपनी इंटरनल पावर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। बी के शिवानी के लेसन से हम सीखते हैं, रोल कॉन्शियसनेस से ज्यादा जरूरी है सोल कॉन्शियसनेस। जब हम सभी को आत्मा के स्वरूप सा समझेंगे, तभी खुद और इस धरती को बेहतर बना सकेंगे। बी के शिवानी के लेसन्स ये समझाते हैं कि एक चीज है जिसे पहले अपनी याद में और फिर अपने कर्मों में भी आप यूज कर सकते हैं, और वो है खुद को याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, या एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, या एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसा सोचने से आप वैसे ही बनते जाएंगे। इन्हें स्वमान कहा जाता है। जितना अधिक मैं इन गुणों और शक्तियों को काम पर लगाऊंगा, उतना ही मेरे काम बैलेंस्ड हो जाएंगे व मैं इनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। साथ ही मैं इन्हें बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन कॉन्सेंट्रेटेड और भरपूर है। बी के शिवानी समझाना चाहती हैं कि जिस भी पल कोई हमारी बुराई करता है, अपमान करता है या हमें ताना मारता है, तो उनके लिए अपनी सोल इमेज को इमर्ज करें और उन आत्माओं को उनके ओरिजिनल गुणों के साथ देखें, ना कि उनके गुस्से और ईगो के साथ। इसके लिए खुद को याद दिलाएं कि ये उनके इम्प्योर और टेम्पररी अवगुण हैं, ना कि रियल और प्योर स्वरूप।